यशोमती मैया के नंदलाला। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर, कृष्ण क्यों? कान्हा, एक तो चोरी की और ऊपर से मूर्ख बना के भाग को जी ठीक ना है। मुझे यशोदा जीजी को बताना ही होगा और वो भी इसके घर पहुंचने से पहले। अरे पल्लू मत खींच, तनिक रुक जा, दे रही पूजा तो करने दे। ले अब जितना मन करे उतना प्रसाद खा। या तो मैं सच्ची बावली हो गई हूँ कि मुझे हर समय काना दिखता रहता है, या फिर मेरा लल्ला कुछ अधिक ही विशेष है कि मेरे साथ ना होके भी सदैव अपनी मैया के साथ ही रहता है। आज तो कैसे प्राण बचे नारायण ही जानते हैं। मैं तो पाऊ को सरपट लेके ऐसे सरपट भागो, ऐसे सरपट भागो कि पूरे गोकुल में। अरे बड़बोले, इस समय तो बड़ी बड़ी मत भागो। पर असली लाभ तो वानर महाराज ने उठाया है। पूरी की पूरी मटकी अकेले लेके निकल लिए। ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम माखन बांट सके। हमारे साथ ना दाऊ, उनके साथ। मैं समझ गया काना, एक ना सभी जानवरों की भूख मिट जाए इसलिए गया था तू सावित्री मौसी के यहाँ माखन चुराने। इससे पहले कि वो हमारे यहाँ पहुँच जाए हमें घर पहुँचना होगा दाऊ, चाहे कछु हो जाए पर देरी ना होनी चाहिए। इससे पहले के बहुत समय बीत जाए हमें ये समझना होगा कि लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात, एक साधु था, वो सुनसान घने जंगल में रहकर साधना करता था। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी। उसने उसे देखो तो सोचो कि ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास रहना चाहिए, और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचो कि इसे तो दूध की आवश्यकता होगी और उसके लिए गाय की, तो उसने एक गाय भी रख ली। अब गाय को चारे की आवश्यकता होगी और चारे के लिए भूमि की। नारायण की कृपा से भूमि का प्रबंध भी हो गयो। अब भूमि को जोतनो है, चारा उगानो है, चारा काटनो है और उसे गाय को खिलानो है। गाय को खिला के उसे दूध निकालनो है और दूध निकाल के बिल्ली को पिलानो है। कार्य बढ़ गो। अब उसे लगो कि सहायता के लिए दो जोड़ी हाथ और होने चाहिए, तो उसने विवाह भी कर लियो। कुछ समय बीतो और संतान हो गई और उसे एक बड़े घर की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोभ ने उसे अपनी छाया में ले लिया और वो नारायण की साधना कर ब्रह्म ज्ञान को पाने के अपने परम लक्ष्य को भूल गो। फिर अनेक वर्ष बीतने के पश्चात उसकी अपने गुरु से भेंट हुई। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं और पहचानो तो उनने कही कि एक बार, बस एक बार अपने कर्तव्य से भटका था तू, और देख कैसे देखते ही देखते लोभ के जंजाल में गहरे ही गहरे धंसता चला गया। सोचो कहीं उस व्यापारी को धन के लोभ में अपना वचन देकर आप सब भी जे ही भूल तो ना करने जा रहे। परिवार,
घर द्वार, भोजन, सुख शांति, जीने के लिए आवश्यक जिस सब कुछ तो है आपके पास। इसीलिए मुझे चिंता हो रही कि जिस प्रकार उस साधु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अवसर गवा दियो था, आप सब भी इस लोभ में आकर अपना सुख चैन ना गवा दो। लग तो है बात सबको समझ आ रही है। भाभी आसानी से ना मिलने देंगी कान्हा से, पर उसे देखे बिना रहा भी तो ना जा रहे हो मुझसे। कहाँ है वो? मुझ पे बहुत क्रोध है उन्हें। इतने शीघ्र शांत ना होगा, उन्हें मनाना तो पड़ेगा ताकि मैं नंद भवन में फिर से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकूं। पर क्या बोलूं, कैसे मनाऊं उन्हें? पर चोरी का आरोप लगायो, वो ही आज मेरे घर में चोरी चोरी प्रवेश कर रही है। नाना भाभी, ऐसी कोई बात ना है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि जसोदा भाभी का क्रोध शांत हुआ कि ना। सुन ले जानकी, मेरा क्रोध उसी दिन शांत होगा जिस दिन तू सारी गोपियों के सामने मेरे कान्हा पर लगाया आरोप वापस लेगी। चोरी करेगा तो आरोप ही लगेगा ना जीजी। फिर से आरोप? सावित्री तू भी? कल तक तो तू? कल तक मुझे ये थोड़ी पता था जीजी कि आपका कान्हा सच्ची में माखन चोरी में पारंगत है। आशा करता हूँ कि आप सभी को नंदराज का विचार और संदेश सही से समझ आ गो होगो। सिक्कों की खनक बता रही है कि पोटली कितनी भारी है। एक ही दिन में कितने धन पा गई जे? हमें भी इससे अधिक धन अर्जित करना होगा, तभी तो हम अपनी उज्जवल का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। पहली बार कछु बुद्धि की बात की है तूने। नंदराज, हमारे मन में आपका बहुत सम्मान है, पर हम जो करना चाह रहे हैं वो लोभ ना है, वो तो विकास है। हाँ नंदराज, हम अपना और अपने संतानों का भला बुरा सोचे बिना कब तक अपना जीवन इस प्रकार जीते रहेंगे? फिर पिछले 4 वर्षों से हमने आपको कर भी तो ना दियो है। मुझे तो लगता है कि नंदराज की बातों पर शांति से सोच विचार के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार ना आता है। हमें सोच विचार के निर्णय लेना है सबने। चोरी में पारंगत? हाँ जीजी, उसने टोली बनाई है और उसका नाम भी रखा है चौर्य विद्या प्रसारण टोली, और आपका कान्हा उसका अध्यक्ष है। अच्छा, तो कान्हा पूरी टोली लेकर आया था चोरी करने तेरे घर? और नहीं तो क्या। पर एक बात बताओ जीजी, मेरे बलदर को देखकर किसी का साहस ना हुआ भीतर जाने का, पर आपका कान्हा इतना साहसी है कि बिना भयभीत हुए इतने भयंकर बैल के निकट चले गयो। सच्ची? और तेरे रक्षक बैल ने कुछ ना किया उसे? है ना अचरज की बात, क्रोध के स्थान पर वो तो उसके सामने ऐसे झुक गयो जैसे कि प्रणाम कर रहा है। हैं? और जीजी, आपका कान्हा साहसी ही ना, बहुत चतुर भी है। मैंने मटकिया बहुत ऊपर लटकाई थी, पर बताओ कि बिना चौकी के मटकी को नीचे उतारने का उपाय किसने ढूंढा? किसने? आपके चतुर कान्हा ने। उसने अपने सखाओं को पर्वत बनायो और एक पक्के सेनापति की तरह बिना भयभीत हुए उनके ऊपर चढ़ गयो और मटकियां उतारने लगो, और एक ही ना तीनों के तीनों मटकियां उतार ली। तीनों? हाँ जी जी,
और वो इतना दयालु है कि पहले एक मटकी का माखन सब में बांट दियो और फिर बचे हुए दो मटकियों में से एक मटकी अपने सखाओं को दे दी और फिर दूसरी मटकी एक भूखे वानर को दे दी। और फिर जब मैं उसके सामने जाके प्रश्न करने लगी तो उसने मुझे अपने तर्कों के जाल में उलझाया और बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया कि वो तो परोपकार कर रहा था। मैं तो देखती ही रह गई और शब्द तो ऐसे झड़ते हैं मुंह से जैसे कि फूल। रुक जा सावित्री, पहले तू ये निर्णय ले ले कि तू मेरे लल्ला का गुणगान करने आई है कि उसकी निंदा करने। निंदा करने ही आई हूँ जीजी, जान की सत्य कह रही थी। आपका काना माखन चोर ही है और बलराम के साथ भागा था। बलराम क्यों? वो तो साक्षात गरुड़ देव के पीठ पे बैठ के उड़ के आयो है, तभी तो तुझसे बहुत पहले आके यहाँ बैठ गयो ना। आ आ देख ले, आ जा देखो कैसे बैठ के सब पहरा दे रहे हैं कि कोई पंछी अनाज ना चुग ले, और तुम दोनों व्यर्थ में इन सब पर दोष लगा रही हो। कान्हा के निकट जाने का प्रयास भी मत ही करना। पहले मेरे लल्ला पर आरोप लगाती हो, फिर उससे मिलना भी चाहती हो। पर जीजी चोरी। अरे उसे तो चोरी का अर्थ भी ना पता होगा। तुम दोनों को नारायण का भय भी ना है क्या? हाँ, मेरे लल्ला पर आरोप लगाने से पहले तुम दोनों को लज्जा ना आए? हे नारायण, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। लग तो है किसी की घोर दृष्टि लगी है कि बार बार मेरे लल्ला पर आरोप लगते हैं। किसी की क्या, तुम दोनों की दृष्टि लगी है। या तो तुम दोनों मनगढ़ंत कथाओं को सत्य बताना छोड़ दो, या फिर कृपा करके मेरे घर आना बंद कर दो। अब दोनों मुंह क्या ताक रही हो? हाँ, जाओ यहां से। और तुम दोनों नंद जी की सभा में क्यों ना गई? हाँ, ये कौन? पहले तो कभी ना देखो इसे। कहाँ को? पास करो। मेरी आंखों के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते ना देख सकतो। राजा हूं मैं, परंतु आज तक मैंने कोई भी निर्णय आप सब पर ना थोपो और ना ही आज थोपूंगा। मुझे पतो है आप सबके पास कल सूर्यास्त तक को समय, इसीलिए मेरी विनती है कि आप घर जाकर रात्रि को इस बात पर पुनः विचार अवश्य कीजिएगा। सोचिएगा कि कोई भी व्यापारी अविश्वसनीय रूप से सस्ता क्रय विक्रय क्यों करेगा जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो। हमें सोचना होगा कि कहीं हम उसके बिछाए जाल में फंस तो ना रहे। बच गए भैया, जैसे तैसे ही सही, पर समय से पहले पहुंच ही गए हो। सावित्री मौसी, कनेक सी बात को इतना बड़ा चढ़क के बोल रही थी जितना उज्जवल भी ना बोल। तो वैसे आनंद तो बहुत आयो सच्ची। हाँ, बेहतर लगो तो माखन भी तो मिल लो और परोपकार भी होगो। बता काना, और किसके घर जाना है अब? आज ही तो हमें शिक्षा मिली है, इतने शीघ्र भूल गए तुम सब? लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे।
चोर, चोर कह रही है मेरे निर्दोष से बालक को। अब तो इन दोनों ने अतीय कर दिए। से भी अभी फूटना था, वैसे ही मैं इतनी चिंतित हूँ। कैसे समझाऊं इन गांव वालों को? कोई समझने को तैयार ही ना है। लगता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सही कह रही हो यशोदा तुम। मुझे तो लगता है कि सोचना समझना ही छोड़ दिया सबने। अनेकों तर्क देके समझा दियो, सिद्ध कर दियो, पर इनकी मोटी बुद्धि में कछु आतो ही ना है। यशोदा तुम तो तर्क की कह रही हो, मैंने तो उदाहरण देकर समझाने को प्रयास कियो, पर अपनी बुद्धि के आगे कछु ना समझ में आ रहो इन गांव वालों को। क्या सारे के सारे गांव वाले मेरे लल्ला पर आरोप लगा रहे हैं? जी क्या कह रही हो तुम, मैं तो गांव वालों की बात कर रहा हूँ जो नारायण के नाम पर वचन देकर उस अपरिचित व्यापारी को अपने दूध दही घी माखन सब देने को तैयार है। लो कर लो बात, मैं गोपियों की बात कर रही हूँ जो लल्ला पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हूँ, और आज तो सावित्री ने भी लल्ला को माखन चोर कह के पुकारो है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। अच्छा जे सब आप छोड़ो, स्त्रियों की बात है मैं संभाल लूंगी, आप जे बताओ सभा में क्या हुआ? गोकुल में फूट पड़ गई यशोदा, लोभ की फूट। अरे रुको रुको रुको, व्यापारी जी रुकिए रुकिए। नंदराज ने प्रयास तो बहुत किया था व्यापारी जी, पर कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इसका अर्थ फूट पड़ चुकी है लोभ की वजह से। बहुत ही शुभ समाचार लाए हो गुप्तचर। अब शीघ्र ही दिखेगा लोभ का चमत्कार। लोभ से बचने को जो पाठ हम काना को पढ़ा रहे थे ना, आज वो ही पाठ मैं इन गांव वालों को समझाने में असमर्थ रहा। आप चिंता मत करो जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी यशोदा। ये गोकुलवासी मेरे अपने, उन्हें अपनी आंखों के सामने मैं भूल करते ना देख सकता। वो सुलक्षणा, वो उस व्यापारी के प्रभाव में आ गए, और शंकरी मौसी और सुमति भी सुलक्षणा के मार्ग पर ही चल रही। कान खोल के सुन ले बहू, आज से घर में दूध पीनो बंद, दही खानो बंद, और माखन तो बिल्कुल न खानो। पर मैया। पर किंतु परंतु कुछ न सुनो मुझे, सुलक्षणा की जैसे धनवान बनो है कि ना? तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तभी तो अधिक से अधिक दूध दही माखन बेचकर अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाएंगे हम। सुलक्षणा को उस व्यापारी की तरह धनवान बनना है, और शंकरी मौसी को सुलक्षणा की तरह। ऐसे तो पूरा गांव ही लोभ में पड़कर कल उस व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। अब तो फिर स्त्रियों को मुझे अपने ढंग से समझाना पड़ेगा। अब गोकुल वासियों को चाहे कोई भी कितना भी समझा ले, बुझा ले, ज्ञान बांटे, उन्हें केवल एक ही भाषा समझ में आएगी, लोभ की भाषा। लगता है आपके पास बहुत उत्तम योजना है व्यापारी जी। सब झटक लूंगा। क्या लगता है प्रभु, मैया के समझाने से गोपियां समझेंगी? काना और कितनी प्रतीक्षा करवाएगो? अब बता भी दे, माखन चुराने किसके घर जाना है,
इतना आसान ना है निर्णय करना, समय लगता है, सोच विचार करना पड़ता है। पर ये निर्णय किया कैसे जाए पता है मुझे। लगता है वह निर्णय करना पड़ेगा कि बजना कैसे है। सावित्री मौसी ने हमारे चौदह विद्या प्रसारण के बारे में सबको बता दियो क्या? चौरी विद्या प्रसारण कल ही आरंभ हुआ था और आज ही समाप्त हो जाएगा। सब इतने गंभीर क्यों है आज? गंभीर तो होंगे ही ना दाऊ, क्योंकि मैया आज अच्छा वाला पाठ पढ़ाने वाली है।